हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 10 फिजिक्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट इमेज फॉर्मेशन रूल बाय द लेंस ऑफ चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक रे रूल। पहले हम रे रूल लेंगे, देन वी विल मूव नेक्स्ट पॉइंट। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द रे रूल फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट डिस्टिंक्ट पोजिशन वी विल टेक हियर। फर्स्ट पोजिशन इज इफ रे इज पैरेलल टू द लेंस, हमारा कन्वर्जिंग लेंस है इस तरीके से, ये वाला ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है पॉइंट। जैसे वहां पे पोल होता है हमारे मिरर में, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है स्टूडेंट, ऑप्टिकल सेंटर। और इसको नोट करते हैं, इसका रियल फोकस होता है आपको पता है पॉजिटिव साइड, तो ये इसका हो गया एफ एफ डैस, ये इसका वर्चुअल फोकस बोलेंगे। जैसे वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ट्वाइस ऑफ एफ में, तो यहां पर होता है टू एफ बोलते हैं उसको। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से तो आपका रफ डायग्राम भी उस तरीके से ही बने क्यों लगे उसमें हम सही करने जा रहे हैं। ओके, तो पहला केस क्या स्टूडेंट इससे रिलेटेड, ये तो आपको सब पता है प्रिंसिपल एक्सिस है ना, बिल्कुल ये आपको फोकस का नॉलेज है ही। तो पहला पॉइंट है अगर रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फर्स्ट पॉइंट इज रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो तब क्या होगा, देखो इन दिस कंडीशन जो रे पैरेलल है, हमें पढ़ा हुआ है ये सब, जो रे पैरेलल होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद बिल्कुल उसी रूल के हिसाब से, जैसे हमने मिरर में पढ़ते थे स्टूडेंट, ये कहां से जाएगी फोकस से जाएगी, कहां से जाएगी स्टूडेंट, ये जाएगी फोकस से। तो ये आप अगर प्रॉपर मेजरमेंट से करेंगे तो बहुत अच्छा डायग्राम बनने वाला है इस तरीके से। तो हमें क्या पता चल गया, इस टाइम अगर रे पैरेलल है तो तब ये कहां से जाएगी फोकस से, फोकस। तो पहला नॉलेज इंक्लूड हो गया यहां पर इसके रिगार्डिंग। अब लेते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट। देखो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर रे, इसको अपोजिट ले लेते चलो साथ साथ, फोकस से जाए, अगर फोकस से जाएगी तो कैसा होगा, तो बिल्कुल वैसा ही है। देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स लेंस दैट इज कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि एक पॉइंट पे फोकस करता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था है ना, इसका फोकस हो गया। अभी मैं खैर फोकस की बात कर रहा हूं आपसे, तो ये रे मैंने फोकस से पास कराई, मतलब ऐसे करा लो चाहे ऐसे करा लो, दिस इज अप टू यू, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया पॉइंट, नो प्रॉब्लम। तुमको अपोजिट केस है तभी मैं इसको साथ साथ को करा रहा हूँ, अपोजिट केस है इसी तरह तभी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो क्या होगा, ये हमेशा इस टाइम रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका क्या हो गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी इस टाइम, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, थर्ड केस स्टूडेंट, इफ रे पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, थर्ड है ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर से जाए, जैसे कि हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे ऑप्टिकल सेंटर, तो इस टाइम क्या होगा, देखो अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है यहां पर थोड़ा सा डायग्राम छोटा करना पड़ रहा है मुझे,
ये तो आपको पता है फोकस। देखो ये आपको मैं एफ से दिखा रहा हूं क्योंकि ये प्राइमरी फोकस है ना, ये रियल फोकस और ये वर्चुअल फोकस बोलते हैं इसको इधर। इसका जस्ट डबल 2F हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। अगर रे इस टाइम ऐसे जाए ऐसे जाए, मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है रे, ऑप्टिकल सेंटर से अगर राइट लाइट लाइट रे जाती है तो फिर कैसा बनेगा डायग्राम? सीधा आगे निकल जाएगी, सीधा लाइट रे आगे चली जाएगी स्टूडेंट। तो पास्ट अहेड विथ सेम पाथ, सेम पाथ, सेम पाथ, उसी पाथ से आगे की तरफ बढ़ जाएगी। दिस इज अवर थर्ड केस, प्लीज नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स रिलेटेड टू इमेज इमेज फॉर्मेशन बेस्ड ऑन रे रूल। तो रे रूल को आप नोट करें। नाउ स्टूडेंट वी हैव रूल फॉर कॉनकेव लेंस। जैसे कि हमने रे रूल कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में किए थे वैसे इसमें करते हैं। तो पहला रूल सेम वैसे ही है, उसमें पैरेलल ही चल रहे हैं हम लोग। इफ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्रैक्शन के बाद देखो डाइवर्जिंग लेंस है इसको डाइवर्ट कर देगा और इट विल अपियर दैट लाइट रे इज कमिंग टुवर्ड द फोकस। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? फोकस की तरह होते हुए हमें दिखेगी। ओके, सेकेंड रूल, इफ लाइट रे गोइंग टुवर्ड्स फोकस, हमने कहा लाइट रे फोकस की तरफ आती हुई हमें दिखाई दे रही है। दूसरा रूल हमारा इफ लाइट रे गोइंग टुवर्ड्स फोकस, ठीक है, अगर वो फोकस की तरफ आती हुई हमें दिखाई दे रही है, अपियर हो रही है लाइक दिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इज इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स। बिल्कुल ऑपोजिट केस है स्टूडेंट हमारे पास, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो क्या हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट केस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। नाउ ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल सेम केस आएगा जैसे वहां पे हमने किया था। इफ लाइट रे कमिंग टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर, बिल्कुल तो गो थ्रू द सेम पाथ, तो आगे इसी पाथ से सेम पाथ से आगे निकल जाएगी, बिल्कुल एक जैसा रूल है। करेक्ट स्टूडेंट? तो प्लीज नोट डाउन। नाउ स्टूडेंट वी हैव इमेज फॉर्मेशन रूल, वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको कर लेते हैं, हमने रे रूल कर लिए, अब इसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन रूल करेंगे जैसे हमने मिरर में किया था वैसा ही, बिल्कुल वैसे ही उसी ऑर्डर में लेंगे, पहले इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से फिर और पास आएंगे, लेंस की तरफ बढ़ते चलेंगे जैसे वहां पे किया था, और देखेंगे कैसा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी तब कैसा होगा? देखो स्टूडेंट्स, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज एफ एफ डैश, टू एफ डैश एंड टू एफ। फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तब इमेज के क्या क्या, इमेज कैसा कैसा बन रहा है, कैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे। इन्फिनिटी मीन्स वेरी फार, एंड एज यू नो दैट फ्रॉम इन्फिनिटी रेज आर ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रेज होती है जो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चलती है स्टूडेंट। तो ऐसे ही लेंगे यहाँ पर एक रे, सपोज दैट हमने ऐसे पैरेलल चलाई ऐसे, है ना, और हमने पढ़ा हुआ है पैरेलल वाली रे कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है, फोकस से जाती है, ये हमने फोकस से दे दी रे। ऐसे ही एक रे जाए हम ऐसे चला लें तो वो भी अप्रोक्सीमेटली पैरेलल ही मानी जाएगी, या आप ऐसे चला लो वो आपके ऊपर है, ऐसे पैरेलल चला लो तब भी आप फोकस पे ही आपको दिखे। तो चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा एक अलग डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। यहां से एक रे मैं इधर से ऐसे में दे रहा हूं, ऐसे थोड़ा सा इसको इंक्लाइंड करता हूं क्योंकि ये भी
रे वैसे ही चलेगी, देखो ये रे भी ऐसे ही जाएगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में जाएगी और ये थोड़ा सा इसको लाइन से थोड़ा टेढ़ा हो गया, बाहर आ गया पॉइंट, इसको सही कर लेते हैं। देखो यहाँ से अगर हम प्रॉपर मेजरमेंट से करेंगे, हमेशा बोलता हूँ आपको, अगर हम प्रॉपर मेजरमेंट से करेंगे तो डायग्राम हमारा एक ही बारी में सही बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आके ये मीट कर रही है, अब जहां पर दो रेज आके मीट कर जाएंगी तो हमने पढ़ा हुआ है कि वहां पे इमेज फॉर्म होता है, तो यहां पर इमेज बनेगा, ये हमारा इमेज बनेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। मान लो ये सपोज दैट है, यहाँ इन्फिनिटी में ए बी है तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, है ना, इन्वर्टेड इमेज बनेगा ए डस बी डस, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसा कर लो, ये आपके पास यहाँ पे बी आएगा, सॉरी यहाँ पे आपका बी आएगा, यहाँ पे आपका ए आएगा, है ना, दिस इज इन्वर्टेड इमेज इन दिस कंडीशन। तो क्या क्या हुआ इमेज के बारे में नॉलेज, इमेज हो गया हमारे पास इन्वर्टेड, इन्वर्टेड सेकेंड पॉइंट डायरेक्ट बन गया, डायरेक्ट बनने को क्या बोलते रियल, थर्ड पॉइंट लोकेशन कहां पर है फोकस, और साइज कैसा है स्मॉलर, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, दीज आर द पॉइंट व्हेन रेज आर पैरेलल, सॉरी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऐसा इमेज के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके सेकेंड पॉइंट ऐसे ही लेते चलते हैं, ऐसा करते हैं ऐसे यहां पे लेते चलते हैं, या दो दो पॉइंट लेके चलते हैं, थोड़ा स्पेस की कमी है यहां पर। ओके दूसरा पॉइंट इधर से ले लेते हैं बी पॉइंट, अब हम बियॉन्ड 2F आ गए, है ना, दूसरा पॉइंट हमारे पास बियॉन्ड 2F डैश, तो बिल्कुल वैसा ही देखो इधर से फिर से, दिस इज F डैश 2F डैश F 2F, सपोज दैट एट एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F हियर, मान लो यहां कहीं पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है A B इस तरीके से, ठीक है। तो वही करना है हमने, एक रे हमने पैरेलल लेनी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद ये हमें पता है फोकस से जाएगी ही जाएगी। ओके नाउ अनदर वन, अनदर विल वन विल गो, सपोज दैट ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर के बारे में नॉलेज है कि सीधा आगे चले जाती है ना, इसको अगर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं ऐसे करके तो इमेज कहां बनेगा, ठीक है ना, तो सीधा करने की जरूरत है इसको, और तो इमेज देखो इस टाइम थोड़ा सा अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट से लोगे तो सही होगा कि थोड़ा लाइन डिस्टर्ब हो गई है अपने हिसाब से, यहां पर इमेज बना इधर पे पीड हो गया पे इडस बीडस, है ना, सॉरी इन्वर्टेड इमेज बनता है, बीडस इधर आ गया और एडस उल्टा हो जाएगा ना, इमेज पलट जाएगा ऐसे करके, ये चीज पलटना है वो सामने, इतना ध्यान रखना है आपको, इस चीज को आपने इन्वर्ट कर देना है, उल्टा कर देना है, नो प्रॉब्लम। तो इस टाइम भी इमेज देखो डायरेक्ट बन गया, तो फिर से इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, सेम वे में रियली आना है ना, फिर से रियल, सेकंड इज इन्वर्टेड, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है इन्वर्टेड, ठीक है, और थर्ड वन इज लोकेशन कहां पर है, लोकेशन इज बिटवीन
एफ एंड टू एफ, एफ एंड टू एफ ये बन रही है, इमेज बन रही है एफ एंड टू एफ पर बन रही है, करेक्ट स्टूडेंट, एफ और टू एफ के बीच में बन रही है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका पॉइंट आना था बिल्कुल मेजरमेंट से, उसी के हिसाब से आएगी एफ एंड टू एफ पे, ओके। और साइज स्टेम बढ़ता हो जाएगा, तो साइज थोड़ा सा अभी तो जैसे जैसे हम लोग उसमें बढ़ेंगे तभी साइज बढ़ेगा, थोड़ा सा स्मॉलर रहेगा, तो ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट वन इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो लिख देना फिर कोई बात नहीं, सेम चल रहा है तो स्मॉलर, ठीक है अभी स्मॉलर ही स्मॉल ही रहेगा। तो सेकंड केस हो गया हमारे पास ये वाला बियॉन्ड टू एफ वाला हो गया। थर्ड केस इधर ले लेते हैं, चलो इसको हटा देते हैं यहाँ पर, थर्ड केस यहीं पे ले लेते हैं, सी केस यहाँ पे आ जाएगा हमारा, नो प्रॉब्लम, प्लेस आ जाएगा, प्लेस है। अब थर्ड केस देखो, फिर हम यहाँ से इधर आ गए, अब टू एफ डैश पे आ गए, दैट मीन्स हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब थर्ड केस हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, टू एफ डैश, एट टू एफ डैश। अब टू एफ डैश पे अगर है तो देखो भाई, मैं डायग्राम साथ साथ यहाँ बनाऊंगा और यहीं पे एक्सप्लेन करता चलूंगा। फिर से वो F डैश टू F डैश, प्रॉपर मेजरमेंट से करोगे तो मैंने आपको बताया था, मेजरमेंट लेने का तरीका मैंने आपको बताया था। फिर से चलो मैं भी आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ उस चीज को, उस पॉइंट को फिर से डिस्कस करता हूँ। आपने क्या करना है, जो भी रेडियस आप लोगे उसको कंपास में लिया आपने, और उधर से एक आर्क है ना, मतलब यहाँ पे टू एफ पे रखे, जैसे वहां पर आप रखते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो यहाँ पे टू एफ पे रखोगे ऐसे, एक आर्क काटोगे ऐसे में, इधर से भी एक टू एफ पे रखोगे, एक आर्क काटोगे ऐसे में, तो अपने आप ये लेंस इस तरीके से बन जाएगा आपका, है ना, सॉरी ऐसे से कटेगा, तो ऐसे करके आपके पास लेंस बन जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। सो तो अब टू एफ पे रखा, तो देखो ये हमारे पास है, ब्लैक से ही करूंगा मैं, ये एक रे, सपोज दैट दिस इज ए बी, रे पैरेलल गई, पैरेलल वाले का नॉलेज हमें बार बार देखो वही चीज कर रहे हैं, फोकस से जाएगी, है ना। एक फिर से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेते हैं, देखो थोड़ा सा डिस्टर्ब लाइन हाथ हो जाता है विदाउट स्केल, अगर आप करेंगे तो स्केल तो सही आएगा, ठीक है ना, तो इसका स्केल से ही करें, ठीक है। देखो स्केल से नहीं करेंगे तो थोड़ा सा डायग्राम, थोड़ा सा डायग्राम इधर से उधर बन जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, तो स्केल का यूज करें, स्केल से आपका सही डायग्राम बनेगा बेटे। F और 2F, देखो कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है हाथ से बनाने में और उसे बनाने में, बहुत ज्यादा पड़ता है फर्क, देखो काफी ज्यादा टेढ़ा हो गया है ना। तो चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, हिल गया फिर भी थोड़ा सा हाथ, तो यहाँ पे इमेज बना, तो इस टाइम इमेज देखो थोड़ा लाइन ये भी थोड़ी टेढ़ी है, तो कोई बात नहीं, अब आगे से हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि हम ये यूज करें, स्केल यूज करें बार बार, तो इस टाइम देखो दोनों वहीं पे बनेगा, तो इमेज जो है इस टाइम वहीं पे बनता है, यानी कि फोकस पर ही बनेगा, टू एफ पर ही बनेगा पहला पॉइंट, है ना। दूसरा पॉइंट रियल ही बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और इक्वल साइज का बनता है, सेम साइज, सेम साइज का बनेगा। तो ये है इसके लिए रिलेटेड थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट यहीं पे आ जाते हैं डी। अब हम फिर एफ और टू एफ के बीच में आ गए, एफ एंड टू एफ, है ना। देखो फिर से हम चीज देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग उधर बढ़ते जा रहे हैं, अभी यहां पर छोटा था, फिर भी छोटा थोड़ा बड़ा, उससे ज्यादा थोड़ा बड़ा हुआ, और फिर ये और बड़ा हुआ, नहीं इक्वल हो गया उसके बराबर, यानी कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। नोट करना है आपको, 2f के बाद, 2f के बाद इमेज बड़ा होने लगता है,
और बियॉन्ड चले जाएगा, ठीक है ओके। तो चलो ये हमने फॉर्म किया कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज एफ डैश टू एफ डैश, है ना, और यहां पर भी देखो एफ डैश आना चाहिए, यहां पर एफ और टू एफ, इमेज इज कैप्ट बिटवीन एफ एंड टू एफ, सॉरी ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बिटवीन एफ एंड टू एफ, दिस इज ए, है ना, दिस इज ए, दिस इज बी, वन रे गोज पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस, अनदर रे गोज सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर, इमेज इधर बनेगा, इधर बी पॉइंट है, बी डैश ए डैश। तो फिर से हमें क्या दिख रहा है यहां पर, देखो अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, फिर से इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आई, रियल इन्वर्टेड और थर्ड लार्जर, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एंड फोर्थ इज बियॉन्ड, बियॉन्ड चला गया, देखो अभी बियॉन्ड टू एफ, दीज आर फोर पॉइंट्स रिलेटेड टू कॉन्वेक्स लेंस, प्लीज नोट डाउन दीज, ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट, हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। अब फिर से हम लोग आते हैं, चलो इसी को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई यहां पे कर लेंगे, इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, इसी को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, ओके स्टूडेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट अब कहां पे होगा, आप समझ गए होंगे बिल्कुल, आपको अपने ऑब्जेक्ट को इमेज की तरफ बढ़ाना है, सॉरी लेंस की तरफ बढ़ाना है, लेंस की तरफ आगे की तरफ लेके आना है आपको अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ लेके आना है, नो प्रॉब्लम, लेके आइए आप बारबारी से। अभी आप कहां तक पहुंच गए, एफ एन टू एफ, अब कहां आएंगे आप एफ में, तो यानी कि एट फोकस, अब जब फोकस में आएंगे तो कैसा होगा, तो यहां पर देखते हैं हम लोग फोकस के लिए, ये रखा हुआ हमने ए बी, एक रे सेम वे में पैरेलल चली, हम बार बार करते आ रहे हैं स्टूडेंट, आपको बताइए ये वाली फोकस से जाएगी, है ना, रिफ्रैक्शन के बाद एक रे आपने ले ली इधर से, किधर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से, ये तो ये सीधे आगे निकल जाती है, तो देखो जब फोकस पे आएगी तो ये आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, अगर ये आगे की तरफ बढ़ती जा रही है तो हमें दिख रहा है कि डिस्टेंस आगे जाके थोड़ी सी कम होती जा रही है, यानी इस टाइम इमेज जो बनेगा इन्फिनिटी में बनेगा, कहां बनेगा इन्फिनिटी, बिल्कुल उसका उल्टा केस हो गया, तो जब फोकस है तो इमेज कहां बनेगा, रियल इन्वर्टेड तो हो रहा है ना, रियल इन्वर्टेड हो रहा है, पर इमेज कहां बन रहा है इस टाइम, ये बन रहा है इन्फिनिटी में बन रहा है, और हाईली मैग्निफाइड, वेरी लार्जर इन साइज, हाईली मैग्निफाइड, क्या हो रहा है, हाईली मैग्निफाइड इमेज बनेगा स्टूडेंट, मैग्निफाइड इमेज, करेक्ट ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट केस में, तो नेक्स्ट केस क्या है, फिर हम इधर से और मूव करके आगे, यानी कि हमारा कौन सा केस हो गया, ये हो गया हमारा डी, ये हो गया हमारा ई, और ये हमारा केस आ गया एफ वाला केस, ठीक है स्टूडेंट। तो एफ वाले केस में क्या है, बिटवीन एबडेस एंड ऑप्टिकल सेंटर, एबडेस एंड ऑप्टिकल सेंटर को लेते हैं, तो मैं थोड़ा इसको ऐसे ही कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर करने में थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरिटी हो जाती है हाथ से करने में, जो कि डस्टर वस्टर से करने में नहीं होती है ना, थोड़ा सा ऐसे करके क्लीन कर देता हूँ, ओके। लेट अस अगेन सेट द पॉइंट हियर, तो हमारे पास ये केस अब फाइनल केस है, ये पूरा हो जाएगा,
अब हमने क्या करना है, यहां पर इसको बीच में रखना है, यहां पर ए बी, एक रे पैरेलल चली बिल्कुल वैसे ही, देखो पैरेलल रे को, रे का काम ही वही, उसको जाना ही फोकस से, उसको एक ही रास्ता पसंद है। ठीक है, पहले ऋतु में कहां पे लिख रहा हूं मैं, बिटवीन, केस क्या है मेरे पास, बिटवीन एफ डैश एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज केस। ओके, सो स्टूडेंट सपोज दैट अनदर रे विल गो अलोंग द पाथ ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, बिल्कुल वही केस ले रहे हैं। देखो रेस के लिए आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम हमने इन दो रास्तों से ही कर दिया है ना, दो ही रास्ते पकड़ने हैं आपको, तो दो रास्ते हर किसी को याद रहते ही हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये आपने ले लिया, अब देखो सीधा चले जाएगी ये इस तरीके, देखो और आगे जाएगी ये, है ना, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे थे, देखो इधर का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ऐसे, तो अब इमेज तो यहाँ बनने से रहा, अब उधर हम लोग यहाँ कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारी आईज क्या करेगी, इसको बैक ट्रेस करेगी स्टूडेंट, ऐसे करके रेस को बैक ट्रेस करेगी, इधर से इसको बैक ट्रेस करेगी ये, है ना, तो इमेज देखो यहां कहीं मिलेगा इस टाइम, तो ये हो गया ए डैश और बी डैश, इस टाइम देखो इमेज हमने इमेजिन किया, तो रियल तो बोलते नहीं इसको हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल, क्योंकि इमेजिन किया गया है। अब भाई इन्वर्टेड भी कहां है, ये सही करो इसको, इरेक्ट इमेज क्या बनेगी स्टूडेंट, सीधी इमेज बनी है, और सीधी को क्या बोलते हैं हम, इरेक्ट, है ना, और लोकेशन कहां पे, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, कौन सी जगह स्टूडेंट, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है, स्मॉलर थोड़ी है, ये भी सही करना है ना, तो वेरी लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, दीज आर द सिक्स पॉइंट रिलेटेड टू कॉन्वेक्स लेंस फॉर इमेज फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस, नाउ स्टूडेंट वी हैव रूल फॉर कॉन्केव लेंस, हियर ओनली टू केस कैन बी एग्जिस्ट, दो ही केस एग्जिस्ट करेंगे, देखो ये सब बाकी इसका एफ ये एफ टू एफ है ना, इस साइड आ जाता है, जैसे हमारा मिरर में है सेम वे में इधर भी दो ही केस एग्जिस्ट करेंगे, तो कौन कौन सा सकता है, एक इन्फिनिटी वाला, एट इन्फिनिटी वाला केस, तो इन्फिनिटी में हमारा रेस जो होती है वो पैरेलल आपके आप ऐसे भी ले लो चाहे, यहां से रे आई ये रे आई डाइवर्ज कर देगा है ना, रे आई और इसको रे को डाइवर्ज कर देगा, बट अपेयर होगा काम हो जा रहा है उसकी तरफ, फोकस की तरफ, यानी इमेज यहां बनेगा, ठीक है, तो इमेज बनेगा कहां पे बनेगा, इधर बनेगा, तो इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आई, इमेज हमने देखो अपेयर किया, तो इमेज तो हो रहा है तुम्हारे पास, एक तो तुम्हारा इमेज हो रहा है वर्चुअल, तो पहला केस आ गया, पहला आ गया इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वर्चुअल इमेज, दूसरा क्या आ रहा है, पॉइंट एनी वेरी स्मॉलर पॉइंट इमेज, तीसरा अपीयर टू बी एट फोकस, है ना, फोकस पे अपीयर हो गए, ठीक है, और स्मॉलर पॉइंट, हाँ, और इससे इमेज हमारे पास इरेक्ट ही बनता है, ठीक है, दीज आर द पॉइंट रिलेटेड टू केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ओके, सेकंड केस प्लीज नोट डाउन दिस, सेकंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सॉरी इन फ्रंट ऑफ द लेंस, दूसरा इन फ्रंट, अगर इन फ्रंट में हमने रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस रखा हुआ है, तो फिर कैसा बनेगा, चलो इसको करते हैं, तो ये इस तरीके से,
ओके दिस इज एफ टू एफ, कहीं पे भी रख लो कोई केस, यहाँ पर ऐसे स्टैंडर्ड वाली बात नहीं है, एफ डैश और टू एफ डैश, ठीक है, इधर ही कहीं पे, कहीं पे भी हमने रख लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर ही कहीं पर रख लिया हमने, एक रे ये चली पैरेलल, ठीक है, पैरेलल रे चली, तो रे को जरा मैं ब्लैक से दिखाता हूँ फिर से, एक रे पैरेलल चली, ये पैरेलल रे वाली पता है आपको डाइवर्जिंग है, लेंस डाइवर्जिंग है, डाइवर्ट कर देगा, अपीयर टू बी दैट इट इज कमिंग टुवर्ड द फोकस अनदर रे अलोंग द पाथ ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, तो ये आगे निकल जाएगी, तो देखो इमेज बन रहा है इधर, है ना, ये इमेज बन रहा है, सपोज दैट दिस इज ए दिस इज बी, है ना, तो इरेक्ट इमेज बनता है, जाना ना दोनों केस में, उसमें पॉइंट ऑफ पॉइंट इमेज बनता है, पर यहाँ पर ये बनता है, तो इमेज की चलो कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे लिख देता हूँ मैं, इसकी इसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे लिख देता हूँ मैं, तो पहला देखो फिर से वर्चुअल बना, फिर से वर्चुअल, दूसरा इरेक्ट और फिर से कहाँ बना, बिटवीन बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एंड, अच्छा ये हो गया इरेक्ट हो गया वर्चुअल हो गया, स्मॉलर फोर्थ पॉइंट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट इमेज फॉर एन रोल बाय द लेंस दैट इज कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस विच इंक्लूडेड टुडेज चैप्टर रे रूल एज वेल एज इमेज फॉर एन रोल बाय द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो आई होप स्टूडेंट यू विल अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट ओके विच आई एक्सप्लेन टू यू टूडे, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी, ओके सो स्टूडेंट थैंक यू.